सीलिंग फॉर्मूला कुछ ऐसे काम करेगा, जैसे मान लो ये 3 लिखा हुआ है, यहां पे मैं कर देता हूं 5.2, ठीक है, ये 5.2 कर दिया। अब यहां पर आएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू सीलिंग है ना, तो ये सीलिंग लगा लिया हमने, ये देखो नीचे सीलिंग आ रहा है, ठीक है। अब सीलिंग यहां पे दिया हुआ है नंबर, तो ये नंबर मान लो ले लिया, और सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में हम क्या दे देते हैं, इसको 1 तक हम इसे राउंड करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जैसे ही मैं करूंगा तो ये 5.2 है, तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 1 तक राउंड करा दिया हमने, ठीक है। इसी तरह से एक फ्लोर भी होता है, तो ये देखो ये फ्लोर है, FLOR आ गया फ्लोर, इसी तरह से ये नंबर ले लेंगे, तो इसी को मैं ले लेता हूं और 1 अंक तक इसको भी राउंड करवा देता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो 5 बन गया, ठीक है, और ये क्या बन गया था, ये 6 बन गया था, ये आगे चला गया, ये पीछे आ गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है, सीलिंग और फ्लोर की बात समझ में आ रही है। सीलिंग माने ऊपर, सीलिंग कहां होती है, ऊपर होती है ना, सीलिंग फैन ऊपर लगता है ना, और फ्लोर कहां होता है, फ्लोर तो ग्राउंड होता है, नीचे होता है ना, छत ऊपर होती है, सीलिंग ऊपर होती है, और फ्लोर क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है। तो ये चीज है, आ रही है बात समझ में। इसी तरह से कोई और नंबर भी ले लेते हैं, लाइक यहां पे देखो 6.7 है, तो यहां पे सीलिंग फार्मूला फिर यूज करता हूं, देखो कुछ इस तरीके से, ये सीलिंग लगाया हमने, ठीक है, और यहां पर क्या करता हूं, नंबर ले लेता हूं, तो ये वो नंबर है, क्लियर, इसको 1 अंक तक राउंड करा देता हूं, 0 तक भी करा सकते हैं, फिर देखो ये 7 बन गया, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं ये 6.7 ही रखा है मैंने, मैं यहां पे 6.1 भी रख सकता हूं, ये देखो 6.1 है। अब इस पे सीलिंग का फार्मूला लगा लेते हैं, फिर देखो ये देखो यहां पे सीलिंग आ गया, और यहां पे क्या करेंगे, इसी को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको 1 तक राउंड करवा देते हैं, तो ये 1 राउंड करवाए तब भी 7 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 6 होगा तब क्या आएगा, केवल 6 होगा तो, वो भी दिखाता हूं, देखो SE सीलिंग, ये आ गया सीलिंग, आ गया, एक मिनट इसको हटाओ, इज इक्वल टू, ये आ गया, आ गया, लगा लिया, अब ये है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, 33 को सेलेक्ट करता हूं और कॉमा देके 1 करता हूं यहां पे सिग्निफिकेंस में, एंटर प्रेस करता हूं, तो ये 33 ही देगा, आ रही है बात समझ में कि नहीं, ठीक है ना, क्लियर है।